अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व तआला बरकातहू। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर हिंदुस्तान नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने कल रोज अहमदाबाद शहर के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की गुजरात की विधानसभा के इलेक्शन के लिए सबसे पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें अहमदाबाद से जनाब साबिर काबिलला साहब को उम्मीदवार बनाया गया है और सूरत शहर से हमारे भाई वसीम करीब साहब को उम्मीदवार बनाया गया है। वसीम भाई, आपको जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने सूरत से उम्मीदवार बनाया है, तो आपके इस इलेक्शन में क्या मुद्दे रहेंगे? पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि असद साहब ने और साबिर भाई काबिलला साहब ने मुझ पर भरोसा किया और ये जिम्मेदारी मुझे दी और 159 पूर्व से सूरत शहर से मुझे अनाउंसमेंट किया, यहाँ के कैंडिडेट बनाया, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और रही मुद्दों की बात, तो आज तक कांग्रेस जो पिछले 70 सालों में बीजेपी 27 सालों से कांग्रेस केंद्र में 70 सालों से थी, उन्होंने आज तक मुस्लिमों के लिए, मुसलमान के मुद्दे अगर देखा जाए तो गुरु की सीट पे काफ़ी मुद्दे हैं, जैसे स्कूल्स के मुद्दे हैं, शिक्षण के मुद्दे हैं, हॉस्पिटल के मुद्दे हैं। हमारी कई बहनें हैं जिनको यहाँ से हॉस्पिटल दूर जाना पड़ता है कि प्रेगनेंसी का मामला होता है, तो आजकल क्या है कि जेंट्स डॉक्टर ज़्यादा रहते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी सुविधाएँ हम आनी चाहिए जिससे कि हमारी जो बहनें हैं निश्चिंत होकर हॉस्पिटल जाए और लेडीज़ डॉक्टर से उनका इलाज हो, तो ये सारी सुविधाएं हमको लाना है। सब मेन मुद्दे हैं, मेन शिक्षण का मुद्दा है, जैसे कि यहाँ स्कूल 1 से 8 तक है। कल असद साहब ने स्पीच में कहा कि जितनी भी सरकारी स्कूल है उनका शिक्षण का जो दायरा है वो 1 से 8 तक है, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो बच्चे और कहाँ पढ़ेंगे। तो अगर हम जीत कर आते हैं तो इंशाल्लाह हम जीतेंगे, जीत के आएंगे तो सबसे पहले हम शिक्षण पर काम करेंगे और स्वास्थ्य पर काम करेंगे इंशाल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।